हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से दो दिन का राष्ट्रीय संगोष्ठी हास्य का साहित्य समाज और संस्कृति का आयोजन गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने की। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्योम राज सिंह हिंदी विभाग दिल्ली संगोष्ठी के तहत देश के विभिन्न प्रांतों से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी में चार तकनीकी सत्र रखे गए। इसमें समाज की अवधारणा को लेकर वह दूसरा तकनीकी सत्र प्रसिद्ध समाज जैसे कि स्त्री हो किन्नर समाज हो इसके लिए रखा गया। वही तीसरा दलित एवं आदिवासी को लेकर रखा गया। इन सब पर मंथन किया जाएगा। साथ ही इस सत्र ये सत्र दो दिन तक चलेगा। वहीं इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर हेमलता महेश्वर प्रोफेसर आलोचक जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली नीलम पांडे आचार्य कन्या महाविद्यालय हरियाणा नरेश मिश्रा से आचार्य हिंदी विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय शिव मोदी राजस्थान दलित साहित्यकार हनुमानगढ़ सहित अन्य प्रोफेसर मुख्य वक्ता के तौर पर व्याख्यान देंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हास्य का साहित्य समाज और संस्कृति विषय के संगोष्ठी का आयोजन आज गांधी शांति प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। इसमें हमारे जो हैं अतिथि हैं रतन कुमार सामरिया जी हैं, उसके अलावा हेमलता महेश्वर जी जामिया मिलिया से हैं, उसके अलावा दिल्ली से राजेश पासवान जी हैं और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से यहाँ प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। काफ़ी प्रोफेसर से विद्वान वो लोग यहाँ आ रहे हैं और लगभग 200 के आसपास में प्रतिभागी समझ रहा हूँ कि यहाँ पहुँच जाएंगे और पहुँच चुके हैं। और काफ़ी ये जो हास्य का साहित्य है समाज है उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। और इनमें हमने चार तकनीकी सत्र रखे हैं। पहला जो तकनीकी सत्र है वो हास्य के समाज की अवधारणा को लेकर हमने रखा है। दूसरा जो तकनीकी सत्र है जो पितृ सत्ता से जो त्रसित समाज है चाहे वो स्त्री हो चाहे वो किन्नर समाज हो उनको केंद्र में रखा है। उसके अलावा जो हमारा कल जो पहला तीसरा तकनीकी सत्र होगा वो हमारा दलित आदिवासियों को केंद्र में रखा गया है। और जो चौथा तकनीकी सत्र है वो खानाबदोश आदिवासी लोगों को केंद्र में रखकर उनकी समस्याओं को उनकी संस्कृति है उनकी जो विचार हैं वो जिस तरह से हास्य पर धकेले जा रहे हैं। सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है लेकिन जो उनको मिलना चाहिए जो उनको उनका हक है उनका प्रतिनिधित्व है जो मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पा रहा उसको किस तरह से उनकी बात रखी जाए किस तरह सरकार उनके लिए काम कारगर साबित हो इन सब को हम मद्देनज़र रखते हैं। दो दिन में विचार मंथन यहाँ पर किया जाएगा। मैं डॉक्टर प्रवीण चंद संयोजक राष्ट्रीय संगोष्ठी।